वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक हिडन वेबसाइट के बारे में जानेंगे जिससे हम फिशिंग कर सकते हैं। ये फिशिंग का पार्ट टू है, वन नहीं देखा है आपने तो वन देख ले। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे, देन हमें सर्च करना है jade.com सर्च कर लेना है। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर हमें क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ, देन तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा नोट होने देते हैं, हम देख सकते हैं ऐसा कुछ वेबसाइट है हमारा, गूगल का ही है। देन हमें तीन ऑप्शन मिलेगा, तो हमें साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि यूज़र का यहाँ पे साइन अप करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। यूज़र एम पासवर्ड डाल सकते हैं, फिर ईमेल आईडी वगैरह डाल करके साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए सबसे पहले हम अपना टेम्प मेल का यूज़ करेंगे। टेम्प मेल का पहले हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे वेबसाइट हम लोग अपना रियल जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि अगर ये वेबसाइट कभी क्रैश हो सकता है, कभी भी हैक हो सकता है, इसीलिए हम लोग अपना रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पे मेल अपना डाल लूँगा, जो यहाँ पे प्रोवाइड होगा वो मेल को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। देन यहाँ पे अब साइन अप पे अब करता हूँ। साइन अप करने के लिए सबसे पहले अपने यूज़र नेम डालें, क्योंकि मैं आपको एथिकल नहीं डालूँगा अपने यूज़र नेम। देन यहाँ पे पासवर्ड डाल दूँगा, मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो आप ईमेल जो कॉपी किए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, और यहाँ से कंट्री आपको चूज करना है। आप इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंडिया सेलेक्ट करें, मैं अफगानिस्तान कर देता हूँ, क्योंकि अपना लोकेशन ना दे तो अच्छा। देन साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो जैसे साइन अप क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप हो चुका है और लोडिंग लेगा वेबसाइट। आप यहाँ देख सकते हैं योर अकाउंट इज रेडी, सिंस थोड़ा साइन अप के लिए ये थोड़ा वेरीफाई करेगा। तो ऐसा कुछ है, कुछ लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, वापस से साइन अप मांग रहा है। बेसिकली हमारा साइन अप हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। पहले तो मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इथकल नाम से रजिस्टर्ड हो चुका है यूज़र। जब तक यहाँ पे आपका रजिस्टर नहीं होता तब तक आपका साइनअप नहीं हुआ, वापस से साइनअप कर। देन यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल करके और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, देन यहाँ पे अब हमें लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे वेट कर लेना, लॉगिन करने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं जेडलॉक का, यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ सब सारे चीज़ का, जो फ्री फायर है उस सबका फिशिंग पेज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे, तो मैं एक आध दो कर टेस्ट करके बताऊँगा। और यहाँ तो मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कभी कभी इस वेबसाइट का लिंक आपका क्रोम में डिटेक्ट हो जाता है, और कभी कभी डिटेक्ट नहीं हो पाता है, और कभी कभी ये साइट भी वर्क नहीं कर पाता है, ना लिंक वर्क कर पाता है। कभी कभी लिंक वर्क कर पाता है, लेकिन जब लिंक वर्क करता है तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। हमारा साइट देखिए अभी इस समय मेरा कोई पकड़ा नहीं, डिटेक्ट नहीं कर पाया। देन हम दूसरे को यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि फ्री फायर का ही है। आप किसी का भी यहाँ पे आप ले सकते हो, फेसबुक का भी फिशिंग पेज बनाना है तो आप यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है, देन इस लिंक को विक्टिम के पास सेंड कर देना। मैं विक्टिम के पास सेंड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि कैसा उसके पास इंटरफेस आएगा। देन यहाँ से जैसे विक्टिम अपना ये जो लिंक अपने ब्राउजर में ओपन करेगा तो उसको देखते हैं क्या वो डिटेक्ट कर पाता या नहीं कर पाता। देखिए यहाँ मेरा डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो ऐसा कुछ फ्री फायर का जो फ्री डायमंड वाला पेज जो बनता है वैसा बना देगा ये। आप लोग का कभी कभी ना कभी कोई ना कोई इसमें फंस चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही वो विक्टिम अपना यहाँ पे यूजर नेम डालता है और देन किस डिवाइस में कर करके वो साइन अप करता है, कितने डायमंड यहाँ सेलेक्ट करेगा, क्योंकि उसको रियल आएगा, बल्कि आप ये फिशिंग पेज ऐसे इसी तरीके का यूज़ करके हैकर लोग आपके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हैं। मैं वो मेथड बता रहा हूँ कि कैसे वो अकाउंट को हैक करते हैं। अब देखते ह्यूमन वेरिफिकेशन सर मेरा डिटेक्ट हो चुका है,
ठीक है, तब मैं दूसरे साइट को कॉपी करूँगा। अब ऐसे ही आपको चेक करते रहना, क्योंकि हैकिंग एक ऐसा है इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति में पेशेंस नहीं वो हैकिंग कभी नहीं सीख सकता। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, दोबारा मैं लिंक को कॉपी किया हूँ। देखते हैं ये लिंक हमारा काम करता है, ये हमारा काम कर रहा है, ये डिटेक्टेबल भी नहीं हुआ। कभी कभी डिटेक्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। तो पहले विक्टिम के पास लिंक भेजने से पहले आप एक बार खुद ट्राई कर लें। यहाँ से कलेक्ट पे जैसे विक्टिम करेगा, एकदम सेम उस दम फेसबुक की तरह रहेगा लॉगिन पेज पासवर्ड। अब यहाँ पे जैसे वो अपना लॉगिन पासवर्ड डालता है, वो वैसे मेरे पास कैप्चर हो जाएगा। विक्टिम को डालने देते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, जैसे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो विक्टिम के पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, शायद वो साइट खुले भी ना या फिर ऐड दिखाने लगे। मेरे केस में तो ऐड दिखा भी नहीं रहा, इसको मैं कट करता हूँ। अब वो पासवर्ड कैप्चर कहाँ हुआ उससे देखने के लिए हमें सबसे पहले तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा माई विक्टिम्स, इस पर क्लिक करना है। थोड़ा लोड लेगा साइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से हो चुका है, यहाँ आईडी है और यूज़र देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड भी यहाँ पे शो कर रहा है, किस डेट में है वो भी शो कर रहा है और विक्टिम का आईपी शो कर रहा है। तो इससे तो हैक हो सकता है, आप इस साइट का ट्राई करके देखें। इसी की तो एक और ये वेबसाइट, ये भी कभी कभी वर्क करता है कभी कभी, आप इसका भी यूज़ लेकर देखें और कमेंट में बताएं कि ये साइट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।